ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਪੰਚਕੁਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਕੁਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏਐਸ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। हनीप्रीत का हमारे पास 6 दिन का रिमांड था, उससे कल फिर से पूछताछ हुई थी, आप लोगों ने इस चीज को देखा है, और उसके बाद आज सुबह जो चीजें उसने बताई थी और जो रोल उसका 25 तारीख की वॉयलेंस के अंदर अभी तक सामने आ पाया था, उसकी निशानदेही कराने के लिए और सारी चीजों के लिए हम बठिंडा साइड की तरफ गए थे। हमारी टीम उस तरफ गई और जो चीजें अभी तक उन्होंने अपने सामने देखी हैं, जो बातें सामने आई हैं, लीड्स हमारे पास हैं, और इसके अलावा जो जो बातें जब क्रॉस चेक होता है, सामने चीज आती है तो व्यक्ति और चीजें बताना शुरू कर देता है, तो कुछ चीजें ऐसी सामने आई जिसकी वजह से सच में पहुंचने के लिए हमारे को जरूर इमदाद मिली है। और उस कंटेक्स्ट में हमारे एक व्यक्ति और हमने अभी किसी को राउंड अप किया है जिससे कि बात को पता लगाया जा सके। सो ऑल दिस प्रोसेस इज ऑन। डेफिनेटली अगर ये कोऑपरेट नहीं करती है या हमारे को मिसगाइड करती है तो निश्चित तौर पर हम और रिमांड मांगेंगे।